हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है HVZ रिएक्शन, और इसको फुल फॉर्म होता है हेल वोल हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बेसिकली गाइस, ये तीन साइंटिस्ट से जिनके नाम से रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या है गाइस? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैपेंस। मतलब नाम से कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ये रिएक्शन है, तो जब हमारे डिज़ायर्ड रिएजेंट्स दिए जाएंगे उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस होते जाएंगे वन बाय वन हमारे हेलोजन से, जो भी रिएक्शन में दिया हुआ होगा। कैसे? सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मेरा ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, तो इसमें जो COOH है इसके बराबर वाले कार्बन को जो जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी एच हैं इस अल्फा कार्बन से, उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोला जाता है। नाउ रिएक्शन को प्रॉपर पढ़ने से पहले मैं आपको एक हेड्स अप देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल गाइस, ये मेरी एक रिएक्शन है जिसमें मैंने CH3COOH लिया। नाउ आप इस बात पर ध्यान रखिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने PBr3Cl2 और H2O की रिएक्शन कराई। आप एक बात इसमें ध्यान रखें, मैंने इसमें फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड लिया है जिसमें ब्रोमीन्स हैं, और दूसरी रिएक्शन कराई है क्लोरीन से। ये मैंने जानबूझ के लिए है, ये सेम भी हो सकते हैं PCl3 और Cl2 या PBr3Br2, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं PCl3 या Br2 भी ले सकता था, लेकिन आपको जस्ट आइडिया हो जाए होता क्या रिएक्शन, राइट? जब ये मैं प्रोडक्ट दूंगा तो होगा क्या? सबसे पहले वन बाई वन एक एच रिमूव होगा, Cl जुड़ जाएगा। ध्यान रखें ये वाला Cl जुड़ता है, ना कि ये वाला। तो रिएक्शन क्या होगा? CHH यहाँ बी, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा COOH, राइट? नाउ अगेन जब ये सेम रिएजेंट्स PBr3Cl2H2O रिएक्ट होंगे, तो अगेन एक H फिर से हट जाएगा और क्या बन जाएगा? PCl Cl एंड H COOH। अगेन PBr3Cl2 और H2O से फिर से रिएक्शन कराता हूँ, या आप अगर क्वेश्चन में दिया होगा एक्सिस में भी लिखा जा सकता है। तो अगेन जो लास्ट H बचा मेरा, उस वो भी क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? COOH। नो गाइस, यही सिर्फ हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आपने इस बात में एक ध्यान रखा होगा कि जो फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड है इसका हेलोजन नहीं रिप्लेस हुआ, दूसरे क्लोरीन का हुआ है। नो ऐसा क्यों होता है वो हम मैकेनिज्म देखेंगे, उससे पता करेगा, लेकिन आपको एक आंसर लिखना आ गया होगा। आपने इस रिएक्शंस में जितना भी हमने पढ़ा, एक देखा होगा कि HVZ रिएक्शंस के लिए सबसे पहले अल्फा एच होने जरूरी है। अगर अल्फा एच नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट? और ये रिएक्शन जब तक चलती रहेगी जब तक अल्फा एच रिप्लेस नहीं हो जाते हमारे हेलोजन से। दूसरा, फॉस्फोरस जो ट्राइहैलाइड है वो नहीं रीयूज हो, उसका हैलाइड नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, बल्कि जो मैं दूसरा हेलोजन डाई हेलोजन होगा वो रिप्लेस होगा। ये आप याद रखेंगे तो लाइफ इजी होगी, राइट? नाउ इसके गाइस हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे और आपको समझ बहुत इजीली समझ में आएगा। फिर से अगर प्रोडक्ट लिखना आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। नाउ कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन, हम सबसे पहले हमने PCl3 और Br2 देखा। H2 गाइस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऑप्शनल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट ये आपको बताने के लिए लिखा नहीं था। इसमें PCl3 Br2 है तो देखा मैंने, आपको पता है इस Br2 का Br जुड़ेगा। क्या इस कंपाउंड में अल्फा एच है? ये देखते हैं, ये अल्फा कार्बन है तो इस पर एक एच दिखाया नहीं, ये एच होगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा मेरा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? COOH, और ये मेरा Br से जुड़ जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट होगा। अगेन गाइस, इसमें क्या रिएक्शन होगा? इसमें अगर मैं दोबारा से लिख के देखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, COOH, ये अल्फा कार्बन
लेकिन गाइस इसमें कोई भी नो अल्फा एच इज प्रेजेंट, यानी अल्फा जो हाइड्रोजन है वो नहीं है, इसका मतलब जो इससे रिएक्शन होगी क्या होगी, नो रिएक्शन। अगेन गाइस सिमिलरली इसमें भी देखा सी डब्ल्यू एच है लेकिन सी एच थ्री जुड़ा हुआ है और कोई अल्फा एच नहीं है, तो इसमें भी नो रिएक्शन। अगर इसमें देखूं सपोज ये सी डब्ल्यू एच है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें दो देखूं गौर से तो दो अल्फा एच हैं, मैं डायरेक्ट देखता हूं तो सी एच थ्री पहली बार रिएक्शन होगी, सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी डब्ल्यू एच एक एच प्री, और दोबारे फिर से रिएक्शन होगी तो सी एच थ्री सी एच टू सी बी आर टू सी डब्ल्यू एच। राइट गाइस ये हुआ हमारा क्वेश्चंस। नाउ अगर अब एक और क्वेश्चन देखो गाइस, बहुत कॉमन होता है, नॉर्मली लोग पूछते हैं कि फॉर्मिक एसिड क्या एच वी जेड रिएक्शन देगा और नॉट। अगर आप देखें इसमें भी जीरो अल्फा एच हैं क्योंकि जीरो नो अल्फा कार्बन इज देयर, सिर्फ एच जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी ये कोई एच वी जेड रिएक्शन नहीं देगा। ओके नाउ मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं गाइज आपको एक चीज बताता हूँ, जो एच वी जेड रिएक्शन है ना वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो रिएक्शन से मिलके बना होता है लगभग लगभग, अगर आप देखेंगे तो। एक जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब जो एडिशन ऑफ हेलोजन डाई हेलोजन होता है एल्कीन्स में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्स टू या फॉर एग्जांपल ये छोड़िए आप सी एल टू की सी सी एल फोर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपने रिएक्शन देखी होगी क्या होता है, सपोज़ ये मेरा सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, जब भी मेरी क्लोरीन से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मुझे पता है गाइज कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है कि सी एल सी एल आता है और इसके साथ एक बॉन्ड बनता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है क्योंकि इस टाइप से कुछ, और अगेन सी एच टू का ये कुछ ये डायल पॉजिटिव इस तरह से बन जाता है और जो सी एल नेगेटिव है वो एंटी पोजिशन अटैक करके रिमूव कर देता है, कुछ इस टाइप का गाइज रिएक्शन होता है। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ इस टाइप से ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, ये अभी मैं और थोड़ा आपको समझा दूँ। एक तो ये अगर आपको ये आती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज आप एच वी जेड पढ़ेंगे तो आपकी तीन रिएक्शन प्रिपेयर हो जाएगी। और दूसरा मैंने आपको एक गाइज वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपकी किसी रिएक्शन में ओ एच प्रजेंट है, जैसे आर सी डबल बोंड ओ ओ एच यानी आर सी डब्ल्यू एच एल एल कार्बोक्सिलिक एसिड या आर ओ एच फॉर एग्जाम्पल फिनोल या सपोज कुछ भी जैसे एस डबल बोंड ओ ओ एच ओ एच, ये मैं आपको एक बता चुका हूँ, अगर इनकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस सी एल टू या बी आर टू पी बी आर थ्री या पी ए सी एल थ्री पी बी आर फाइव या पी सी एल फाइव या एस ओ सी एल टू स्पेसिफिकली एस ओ सी एल टू इन सब से रिएक्शन होती है, तो आपको सिर्फ जो ये ओ एच हैं इनको रिप्लेस करके सी एल जोड़ देना है, यानी जो हेलोजन वाला पार्ट है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो क्या बन जाएगा, इसमें ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसमें आर सी एल बन जाएगा, इसमें भी ओ एच को टाको में सी एल जोड़ दूंगा और सिमिलरली इसमें भी मैं बी आर या सी एल जो भी हैं ये जोड़ दूंगा। सिंपल सिंपल ये रिएक्शन है और इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं कंबाइंड करूँ गाइस तो एच वी जेड रिएक्शन बन जाती है। ये जस्ट आपको मैंने हेडसअप दिया है, आप बोर नहीं होंगे आई होप। नाउ जो एच वी जेड की मैकेनिज्म होती कैसे है, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते गाइज। फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल ओ ओ एच एसिटिक एसिड से है हमारा, ये गाइज होता क्या है कि जो पी सी एल थ्री से सपोज मैंने रिएक्शन कराई, पहले मैंने आपको बताया कि जब भी रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू पी एक्स थ्री पी एक्स फाइव
या SOCl2 प्रेजेंट होते हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ इस OH को अगर रिएक्शन प्रेजेंट दिख रहा है तो उसको Cl से या X से रिप्लेस कर दें। आप गाइज एक बात और ध्यान रखें, रेड पी और X2, रेड फॉस्फोरस और जो रिएक्शन होती है डाई हेलोजन से, इसका मतलब डायरेक्टली PX3 ही होता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको जस्ट हेड्स अप देना चाह रहा था कि ये दोनों सेम होती हैं। तो अगर आपको एच वी जेड रिएक्शन में अगर कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं और ये ऑप्शन में दिया है तो आप इसको येस क्लिक के आ सकते हैं। नाउ होता क्या है गाइस, जब भी ये मेरा होगा तो मैंने क्या करा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल रिप्लेस कर दिया, राइट, एसाइल क्लोराइड बनाया। अब होता क्या है गाइस, टोटोमराइजेशन हैपेंस और जो ये एक एच है इसमें एक एच जो CH2 मैंने लिख दिया वही टोटोमराइज होता है और क्या लिखा जाता है, CH2 डबल बोन्ड COHCl, राइट। नाउ जो ये मेरा कंपाउंड है गाइस, इसकी रिएक्शन होती है हमारी दूसरे रिएजेंट के पार्ट से X2, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ Br2 से। नाउ गाइस मैंने आपको जैसे बताया कि एडिशन ऑफ डाई हेलोजन्स ऑन एल्कीन्स होता कैसे है, मैंने एक बार नेक्स्ट पेज में बता दूँ कि जब भी फॉर एग्जांपल गाइस CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे मेरा जब भी डाई हेलोजन से रिएक्शन होता है तो नॉर्मली आपको पता है डाई हेलोजन्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। बट गाइस जब भी ये किसी डबल बॉन्ड के करीब आता है, नाउ डबल बॉन्ड आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग से बना है, राइट, नाउ ये भी इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग, तब भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं पास में, सो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा रिपेल हो जाता है और कुछ इस टाइप से आ जाता है, यानी दूर हो जाता है। इसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और ये थोड़ा सा चार्ज होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज माना जा सकता है और मैं इसको इक्वलेंट मान के चल सकता हूँ आपकी इजी जो हो उसके लिए कि एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। नाउ जब इसके पास आता है तो गाइस एक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट जिसमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, यानी इस पे डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। नाउ जो ये बचा हुआ एक्स नेगेटिव है ये रिएक्ट करता है फ्रॉम एंटी पोजिशन मोस्ट मोर स्टेबल पोजिशंस पे अटैक करेगा और जो ये बॉन्ड है ये खुल जाता है और इससे क्या बनता है CH2X CH2 एंड X। ये जनरली रिएक्शन गाइज CCl4 में रिएक्ट की जाती है। नाउ CCl4 एक नॉन पोलर सोलवेंट है इसलिए ये प्रेजेंट होती है, बट अगर ये रिएक्शन H2O ROH या किसी भी रिएक्टेंट में यूज हो रही है तो ये जो X नेगेटिव का पार्ट है ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन साइड साइड में साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। कैसे कि अगर CH2 ये X बना हुआ है तो हो सकता है कि X नेगेटिव ना रिएजेंट करके जो H2O एंटी पोजिशन पर अटैक करे और CH2X CH2 और OH जोड़ दें। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंपल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके नाउ बैक टू आवर जो मेन रिएक्शन है उसमें। नाउ अब होता क्या है गाइस, जब ये Br2 है सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया एक साइक्लिक जो रिएक्शन बनेगी Br पॉजिटिव एंड Br पॉजिटिव। नाउ अगर गाइस अगर आप इसमें देखें H2O तो प्रेजेंट है लेकिन जो हमने H2 लेते हैं रिएजेंट्स में अगर आप गौर से देखें ये OH भी इसमें प्रेजेंट है, राइट। अब गाइस होता क्या है कि OH ये अगेन ये रीअरेंज होगा और इसको ऐसे खोल देगा जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो होता क्या है CH2 ये Br इधर आ गया, ये बॉन्ड खुल जाता है और C डबल बॉन्ड OH एंड Cl, राइट, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगेन माइनस ये जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा, CH2 Br C डबल बॉन्ड O Cl जुड़ जाएगा। ये हो गया गाइस। नाउ
जब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया तो अब क्या करते हैं, अब आता है H2। H2 का काम क्या है गाइस, हाइड्रोलिसिस, या कुछ भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जैसे बताऊं तो H2O अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हेलोजन निकल जाएगा और मेरा फाइनल प्रोडक्ट CH2Br सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच निकल जाएगा। रिमेंबर गाइज, ओ एच टू होगा और एच निकल के ये बन जाएगा। नाउ गाइज, अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये Br2 का हम फाइनल प्रोडक्ट में जो Br जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो ये शुरुआत में जो Cl जुड़ता है ना गाइज, ये एंड में निकल जाता है इस वाले फेज से, इस वाले पोर्शन से। इस वाले फेज में जो पहला Cl2 था इसका, ये निकल गया तो फाइनल प्रोडक्ट में हमारा यही जुड़ा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रही होगी। और गाइज सेम टू सेम जो रिएक्शन है ना रिपीट हो जाती है। कैसे, जैसे ये हमारा प्रोडक्ट बना कि CH2Br सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। अगेन गाइज जब भी हम रिएक्शन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल Br3 PCl2 था हमारा, अगेन क्या होगा CH2Br2 सी डबल ओ, ये Cl जुड़ जाएगा। अगेन गाइज ये टोटोमराइज होगा एक एच और हमारा CH Br इस टाइप से टोटोमराइज होगा। अगेन गाइज फिर से जो Cl Br2 का Br2 है, सॉरी Br2 होगा, वो एडिशन होगा और इस टाइप से ये HB रिप्लेस हो जाएगा। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। मैंने बहुत कोशिश की थी ताकि आपको इजी से इजी कर सकूं, राइट गाइज। सो अगर आपको कोई इश्यू होगा गाइज प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ प्रेस द दैट बेल आइकन ऑल्सो। और गाइज प्लीज़ रिमेंबर कि आपके कोई भी सजेशंस हो कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए वीडियो के, या आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ और कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बनाऊँगा। राइट गाइज, थैंक यू।